ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। खबरों की शुरुआत कुंडा इलाके खबर से करते हैं, जहां मरीज की हुई मौत के बाद दबंगों ने मचाया जमकर तांडव। सीसीटीवी फुटेज आया सामने, डॉक्टरों पर लगा लापरवाही का आरोप। बता दें कि तस्वीरें प्रतापगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा की है, जहां देर रात मरीज की मौत के बाद दबंगों ने जमकर तांडव मचाया है। कुंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा था मरीज, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया और इस दौरान वार्ड बॉय के साथ डॉक्टरों से अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घायल वार्ड बॉय ने बताया कि रायपुर भरकी गांव के एक किडनी पीड़ित मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था, लेकिन उसकी हालत पहले से ही बिगड़ गई थी और उसकी मौत हो गई, जिसकी पुष्टि करने के बाद तीमारदार नाराज हो गए और इसी नाराजगी की वजह से वह वार्ड बॉय के साथ साथ डॉक्टरों के साथ न सिर्फ अभद्रता किया बल्कि उनके साथ मारपीट की। हालांकि बाद में पहुंची पुलिस ने एक उपद्रवी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद अन्य मरीजों में भी अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां पुलिस से नाराज सफाई कर्मियों ने राजमार्ग को किया जाम, जमकर हंगामा। बता दें कि मवेशियों को गाड़ी से गौशाला ले जा रहे नगर पंचायत कर्मी को पुलिस ने पशु तस्कर समझकर रोका और उसके बाद उसे थप्पड़ जड़ दिया। इससे नाराज नगर पंचायत कर्मियों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस के मनाने और गलती मानने के बाद नाराज प्रदर्शनकर्मी जाम को खोल दिए। बता दें कि स्थानीय कस्बे में छुट्टा मवेशियों को पकड़ कर गौशाला ले जाया जा रहा था। शनिवार की शाम एसडीएम के आदेश पर पकड़े गए छुट्टा मवेशियों को डीसीएम पर लोड कर नगर पंचायत के सफाई कर्मी पूरे नारायण दास गौशाला ले जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि तस्करी के लिए मवेशियों को ले जाया जा रहा है। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया तो कर्मचारी रुके नहीं। लीलापुर के पहले पुलिस ने गाड़ी रोक ली। कर्मचारियों का आरोप है गाड़ी रोकने के बाद पुलिस ने एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद जानकारी की तो पता चला कि मवेशी गौशाला जा रहे हैं। थप्पड़ मारने से नाराज नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने रविवार को सुबह 8 बजे से लालगंज इंदिरा चौक पहुंचकर लखनऊ वाराणसी राजमार्ग को जाम कर दिया। आधे घंटे से अधिक आवागमन बाधित रहा तो सूचना पाकर कोतवाल कमलेशपाल कर्मचारियों को समझा बुझा कर किसी तरीके से शांत कराया, जिसके आधे घंटे बाद जाम को खोला गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां महिला अस्पताल में आशा बहू पर लगा 15,000 रुपए मांगने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। बता दें जेठवाड़ा के रामगढ़ बिकना के एक युवक का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। युवक अपना नाम दीपक बता रहा है। इसमें वह आरोप लगाया कि प्रसव पीड़ित होने पर रविवार को अपनी पत्नी सपना को मेडिकल कॉलेज से जुड़े महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जेठवाड़ा की एक आशा बहु नॉर्मल डिलीवरी की 15,000 रुपये मांगने लगी। रुपये न होने से परेशान दीपक पत्नी को वापस ले जाने लगा, लेकिन कटरा के पास दिक्कत होने लगी, फिर अस्पताल ले आया। दोबारा फिर आशा बहु ने रुपये मांगे तो किसी ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैल श्रीवास्तव को इसकी सूचना दी। प्राचार्य के दखल के बाद सपना को भर्ती कराया गया तो दीपक ने राहत सांस ली। महिला अस्पताल की सीमेज डॉक्टर रीना प्रसाद ने मामले की जानकारी से इनकार किया। उधर प्रचार करने का आरोपित आशा बहु के बारे में पता लगाया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां सवारी से भरी बस को दबंगों ने रोका, राड और सरिये लेकर बस पर बोला धावा, मचा अफरा तफरी। मौके पहुंची पुलिस ने दो लोगों को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। बता दें कि मामला नगर कोतवाली के भगवा चुंगी का है, जहां पैसे को लेकर पैसेंजर के साथ हुई मारपीट से नाराज दबंगों ने सवारी से भरी बस को रोक लिया और राड सरिये लेकर बस पर धावा बोल दिया। इसमें चालक को ढूंढने लगे, जिसके बाद दबंगों की इस हरकत से यात्रियों में दहशत फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां पुलिस अधीक्षक ने किया चेक पॉइंट का फीता काट कर उद्घाटन। बता दें तस्वीरें बागराय थाना क्षेत्र के कमासिन गांव की है, जहां पर बनाई गई पुलिस चेकिंग पॉइंट का एसपी सतपाल अंतिल ने उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि पुलिस चेकिंग पॉइंट बनने से अपराध पर न सिर्फ अंकुश लगेगा बल्कि जिले में अपराध पर नियंत्रण भी होगा। जिले में कई जगह पुलिस चेकिंग पॉइंट बनने से अपराध में गिरावट आई है। इसी तरीके का कुछ बयान प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने दिया। इस दौरान प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के अलावा एसडीएम कुंडा और सीओ सदर पवन त्रिवेदी भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां पुलिस द्वारा गूगल पे के माध्यम से लिया जा रहा था घूस, जाँच के बाद एसपी ने किया 3 सिपाही को लाइन हाजिर। बता दें कि बाइक चेकिंग के दौरान गूगल पे पर घूस लेना अब पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। नगर कोतवाली के पृथ्वीगंज चौकी पर तैनात 3 सिपाहियों को एसपी सतपाल अंतिल ने लाइन हाजिर कर दिया। सीओसीटी की जांच में मामला सही पाया गया था और रविवार को यह कार्रवाई की गई। बता दें कि रानीगंज के रूपीपुर का युवक मंगलवार को शाह से लौट रहा था। पृथ्वीगंज चौकी के सामने चेकिंग लगाए 3 सिपाहियों ने लाइसेंस न होने पर उसे गूगल पे के माध्यम से 700 रुपये की वसूली ले ली।
हालांकि बाद में विभागीय अधिकारियों का मामला संज्ञान में आने के बाद गूगल पे पर ही घूस की रकम वापस कर दी गई। मामले की जानकारी होने के बाद जब प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कराई तो सीओ सिटी ने इस मामले की रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद चौकी के 3 सिपाही मनोज उपाध्याय, बालकिशन और दुर्गा प्रसाद की संलिप्तता पाई गई। एसपी सतपाल अतिल ने 3 सिपाहियों को रविवार को लाइन हाजिर कर दिया।